गीता का 16वां उद्देश्य है जो मुश्किल वक्त में जो दुख के समय में आपका साथ दे, सिर्फ वही आपका अपना है। बाकी सब पर आए अपनेपन का नाटक करने वाले बहुत लोग होते हैं। बड़ी बड़ी बातें करने वाले बहुत लोग होते हैं कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, हमें याद करना। लोग दुख उठाने की बात करते हैं, लोग आने जाने की बात करते हैं, हाथ मिलाना तो ठीक से नहीं जानते और दिल मिलाने की बात करते हैं। जब सच में आपकी जिंदगी में तकलीफ आएगी ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपका साथ देने के लिए कौन खड़ा है। क्योंकि उस समय पे सारे लोग भाग जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता होता है कि ये व्यक्ति हमारे पास आया तो हमसे मदद ही मांगेगा, हमको कुछ दे नहीं पाएगा। लोग आपसे सिर्फ तभी रिश्ता रखते हैं कि आप उन्हें कुछ दे सकते हैं, आपसे उन्हें कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन जब लोगों को ये पता चल जाता है, समझ में आ जाता है कि उनको आपसे कोई फायदा नहीं होने वाला, बल्कि उनको आपकी मदद करनी पड़ेगी, तो वो आपको दूर से ही देख के भाग जाते हैं। इसलिए जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो जाए, सिर्फ वही आपका अपना होता है। बाकी इस दुनिया में सब पर आए हैं, क्योंकि सिर्फ अपना अपना कह देने से कोई अपना नहीं हो जाता। गीता का 17वां उद्देश्य है, ये जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो आने वाले भविष्य में होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। हालांकि ये बहुत गहरी बात है। कुछ चीजें जिंदगी में ऐसी होती हैं जो हमें लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही होना था ये सब। लेकिन जब वो वक्त गुजर जाता है, एक दिन हमको समझ आता है कि अगर हमारे साथ ये सब नहीं होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। अगर मेरे साथ ये सब नहीं होता तो शायद हमारी जिंदगी और भी बर्बाद हो सकती थी। इसलिए अगर हमको ये समझ में आ जाए कि जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो सब अच्छे के लिए हो रहा है, तो हम जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। गीता का 18वां उद्देश्य है कि हर काम को समझदारी से करना ही योग होता है। योगः कर्मसु कौशलम। कई लोग काम तो करते हैं लेकिन उन्हें हासिल कुछ नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं तब भी जिंदगी में सफलता हासिल नहीं हो रही। बहुत कुछ करने से, बहुत मेहनत करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन सही तरीके से समझ के साथ काम करने से आपको जिंदगी में सफलता जरूर मिलेगी। गीता का 19वां उद्देश्य है कि कभी भी किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज हद से ज्यादा मत करना। किसी से प्रेम भी हद से ज्यादा मत करना, किसी से नफरत भी हद से ज्यादा मत करना। हद से ज्यादा मीठा भी खराब, हद से ज्यादा कड़वा भी खराब, हद से ज्यादा आराम भी आपको बीमार कर देगा, हद से ज्यादा खाना भी आपको बीमार कर देगा, हद से ज्यादा बुखार रहना भी आपको नुकसान पहुंचाएगा, और हद से ज्यादा जागना भी आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जैसे ही आप संतुलन खो देते हैं, वैसे ही आपके जीवन में दुर्घटना हो जाती है। गीता का 20वां उद्देश्य है कि जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व दोगे वो आपको कभी महत्व नहीं देगा। आपने कभी गौर किया कि आपका अपमान कौन लोग करते हैं? आपका अपमान सिर्फ वही लोग करते हैं जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। दूसरों की इज्जत करना अच्छी बात है, पर दूसरों की अगर बहुत ज्यादा इज्जत करोगे तो उनकी नजर में आपकी इज्जत खत्म हो जाती है। इसीलिए किसी को भी कभी भी अपना सब कुछ नहीं बनाना चाहिए कि तुम ही मेरे सब कुछ हो। जैसे ही आप किसी को सब कुछ बना लेते हैं अपना, तो आप उसके लिए कुछ भी नहीं रह जाते। इसलिए लोगों को इज्जत उतनी ही देनी चाहिए जितना वो हजम कर सके। हद से ज्यादा इज्जत देना आपकी ही बेइज्जती करवा सकता है। गीता का 21वां उपदेश काम, क्रोध और लोभ जीवात्मा को आत्मविनाश के नरक की ओर ले जाने वाले 3 द्वार हैं, इसलिए सबको इनका त्याग करना चाहिए। श्री कृष्ण अब आसुरी प्रवृत्ति के मूल कारणों का वर्णन करते हैं तथा काम, क्रोध और लोभ को इसके 3 तुच्छ कारण बताते हैं। इससे पहले श्लोक 3.36 में अर्जुन ने पूछा था कि लोग न चाहते हुए भी पाप करने के लिए क्यों प्रेरित होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें बलपूर्वक पाप कर्मों में लगाया जाता है। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि यह लालसा ही है जो बाद में क्रोध में परिवर्तित हो जाती है और यह संसार का सर्वनाश करने वाली शत्रु है। श्लोक 2.62 की टिप्पणी में किए गए विस्तृत वर्णन के अनुसार लोभ काम वासना में भी परिवर्तित होता है। इस प्रकार काम, क्रोध और लोभ ही ऐसी आधारशिलाएं हैं जहां से आसुरी अवगुण विकसित होते हैं। ये मन में कटुता उत्पन्न करते हैं और ये इसे अन्य सभी बुराइयों को मार्ग प्रदान करने का उपयुक्त स्थान बनाते हैं।
परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण इन्हें नरक के द्वार के रूप में चिन्हित करते हैं और विशेष रूप से आत्मविनाश से बचने के लिए इनसे दूर रहने का उपदेश देते हैं। आत्मकल्याण के इच्छुक लोगों को इन तीनों से भयभीत रहना सीखना चाहिए और सावधानी पूर्वक अपने व्यक्तित्व में इन्हें प्रविष्ट करने से बचना चाहिए। गीता का 22वां उपदेश, जो अंधकार रूपी तीन द्वारों से मुक्त होते हैं वे अपनी आत्मा के कल्याण के लिए चेष्टा करते हैं और इस प्रकार से परम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण काम, क्रोध और लोभ का परित्याग करने के सकारात्मक परिणाम का वर्णन करते हैं। जब तक ये विद्यमान रहते हैं तब तक मनुष्य प्रिय या सुखों के प्रति आकर्षित होते हैं, जो आरंभ में तो सुखद लगते हैं परंतु अंत में कटु हो जाते हैं। लेकिन जब भौतिक लालसाएं क्षीण होती हैं तब बुद्धि मोह के प्राकृतिक गुण से मुक्त हो जाती है और वह प्रेम के मार्ग का अनुसरण करने की निकट दृष्टि को समझने लगती है। तब फिर मनुष्य श्रेय मार्ग या सुख की ओर आकर्षित होता है, जो वर्तमान में दुखद प्रतीत होता है लेकिन अंत में सुखद बन जाता है। जो लोग श्रेय मार्ग की ओर आकर्षित होते हैं उनके लिए ज्ञान का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। वे अपनी आत्मा के आंतरिक कल्याण की चेष्टा आरंभ करते हैं जिससे वे परम लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। गीता का 23वां उद्देश्य है, जिसके साथ सत्य और ईश्वर की शक्ति है, चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। श्रीमद् भगवद् गीता में 18 अध्याय 700 श्लोक है। गीता का आखिरी श्लोक है, यात्रा योगेश्वर आकृष्ण यात्रा पार्थो धनुर्धरा तत् श्रीविजयो और भूतेर ध्रुवा नीतिम तिर्ममा। धृतराष्ट्र बार बार संजय से पूछता था कि बताओ युद्ध में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्योंकि उसे विश्वास था कि महाप्राक्रमी विषमतामा मेरे पक्ष में है, गुरु द्रोणाचार्य वो मेरे पक्ष में है, कारण मेरे पक्ष में है तो हमें कौन हरा सकता है। लेकिन संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि जहाँ पर ईश्वर है, जहाँ पर सत्य है, हमेशा वही जीतता है, चाहे आपके पास कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, लेकिन सत्य और ईश्वर जिसके साथ खड़े हो जाए उससे दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता। गीता का 24वां उद्देश्य है, ये जीवन में लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, लेकिन जब बात आपके चरित्र सम्मान और अधिकार की हो तो लड़ना भी चाहिए। अर्जुन भी महाभारत का युद्ध करना नहीं चाहता था क्योंकि सामने उसके अपने खड़े थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे उपदेश दिया कि यहाँ पर बात लड़ाई की नहीं है, तेरे सम्मान की है, तेरे चरित्र की है, तेरे अधिकार की है। जो द्रौपदी के साथ कौरवों ने भरी सभा में अपमान किया, उसे नग्न करने की कोशिश की, इतना बड़ा अधर्म किया, वो तुम्हें कभी नहीं सहना चाहिए। इसलिए बात जब आपके चरित्र पे आ जाए, आपके सम्मान पे आ जाए, तो चाहे वो अपना ही क्यों ना हो, आपको उसके साथ जरूर लड़ना चाहिए। गीता का 25वां उपदेश है, चाहे कितना भी बुरा वक्त आ जाए लेकिन जो इंसान जिंदगी में हिम्मत नहीं हारता वो सब कुछ हासिल कर सकता है। जब पांडव लोग जुए में सब कुछ हार गए, उनको 12 साल के लिए वनवास मिला और 1 साल के लिए अज्ञातवास मिला। वो भिक्षा करके अपनी जिंदगी को पालते थे, जंगलों में भटकते रहते थे भयानक जानवरों के बीच, लेकिन इतना मुश्किल वक्त झेलने के बाद भी आखिरी में विजय उन्हीं की हुई क्योंकि उन्होंने अपने अंदर में कभी हिम्मत नहीं खोई थी। ऐसे ही आपकी जिंदगी में कितना ही मुश्किल वक्त क्यों ना आ जाए, लेकिन आपके अंदर अगर हिम्मत है तो जीत आपकी ही होगी। गीता का 26वां उद्देश्य है, ये जो किसी और का है उस पर कभी अधिकार मत जमाना, कभी कब्जा मत जमाना। जब शकुनी ने षड्यंत्र करके पांडवों को हस्तिनापुर से अलग करवा दिया, एक काराज दे दिया जहां की भूमि भी बंजर थी, जहां कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन पांडवों ने उस शहर को इतना सुंदर बनाया, इतना वैभवशाली बनाया कि हस्तिनापुर भी उसके आगे फीका लगने लगा और उनके उस वैभव को देख, सुख को देख के दुर्योधन अंदर ही अंदर जलता था। गीता का 26वां उद्देश्य है, ये जो किसी और का है उस पर कभी अधिकार मत जमाना, कभी कब्जा मत जमाना। जब शकुनी ने षड्यंत्र करके पांडवों को हस्तिनापुर से अलग करवा दिया, एक कार आज दे दिया जहां की भूमि भी बंजर थी, जहां कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन पांडवों ने उस शहर को इतना सुंदर बनाया, इतना वैभवशाली बनाया कि हस्तिनापुर भी उसके आगे फीका लगने लगा और उनके उस वैभव को देख, सुख को देख के दुर्योधन अंदर ही अंदर जलता था। उसमें पांडवों से सब कुछ छीन लिया लेकिन अंत में उसके पास कुछ नहीं बचता। इसलिए जो आपका नहीं है कभी उस पर अधिकार नहीं जमाना चाहिए। गीता का 27वां उद्देश्य है कि वो इंसान जिंदगी में सफल माना जाएगा जो अंदर से हमेशा खुश रहता है। बाहर से तो सब कुछ दिखाई देते हैं, इंसान अशांति से भरा रहता है, बहुत पैसा कमा लिया, कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन वो कामयाब भी असली नहीं है। असली कामयाबी तब मानी जाएगी जब आपका मन खुश रहता हो। गीता का 28वां उपदेश ये है कि आप जैसा अन्न खाओगे
वैसा ही आपका मन और आपकी बुद्धि होगी। आप वैसा ही कर्म करोगे, वैसा ही आचरण करोगे। सात्विक कनु खाओगे तो आपका मन भी सात्विक होगा, सात्विक व्यवहार भी करोगे, सोच भी आपकी अच्छी होगी। तमोगुणी और रजोगुणी आहार करोगे तो आपकी बुद्धि भी वैसी होगी, आप काम भी वैसे करोगे। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में सात्विक, राजसी और तामसी इन तीनों आहारों का विस्तार से वर्णन किया है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। पर सार यही है, जो मनुष्य सात्विकता से भोजन करता है, सात्विक भोजन करता है, उसे जीवन में शांति और सुख जरूर मिलते हैं। गीता का 29वां उद्देश्य है कि बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ेगा, चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा चलो, वो आपको तकलीफ देगा ही देगा। इसलिए जो जैसा है आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। बुरे इंसान के साथ आप कितना भी अच्छा बन जाओ, वो कभी अच्छा नहीं बनने वाला। दुर्योधन जंगल में पांडवों को मारने के लिए गया था, लेकिन वहां पर भी लोगों ने दुर्योधन को पकड़ लिया। उसका मित्र कारण भी उसे छोड़कर भाग गया। वो भील दुर्योधन को मार देना चाहते थे, लेकिन युधिष्ठिर अपने भाई की रक्षा करने के लिए वहां पहुंच गया, उसके जीवन की रक्षा की। लेकिन उसके बाद भी वो हमेशा पांडवों का नुकसान ही करता रहा। इसलिए अगर कोई इंसान बुरा है, उसके साथ आप ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश मत करो। जो जैसा है आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। गीता का 30वां उद्देश्य है कि जो इंसान अपने कामों को समय से खत्म नहीं करता, समय की कद्र नहीं करता, उसकी जिंदगी का सारा समय व्यर्थ में ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि समय ही आपका जीवन है। अगर आप समय को व्यर्थ ही नष्ट करते रहेंगे, व्यर्थ के कामों में गवा देंगे, तो आपको जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर कुछ जिंदगी में पाना चाहते हो तो समय की कदर जरूर करना। जो भी व्यक्ति गीता के इन 30 उपदेशों को रोज सुनेगा, समझेगा, तो जिंदगी की कितनी भी मुश्किल से मुश्किल घड़ी क्यों ना आ जाए, उससे ऐसे मुश्किल समय में भी रास्ता जरूर मिल जाएगा।